किस विभाग ने खर्च किया, ये तो विभाग के अधिकारी ही बता पाएंगे इस बारे में। लेकिन जहाँ तक इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसमें पुलिस प्रशासन और सरकारें अपना काम करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। कानून अपना काम करे, बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन समाज भी इस प्रकार के काम में आगे बढ़ कर के आए, इस प्रकार के मामले ना हो, इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसलिए समाज की भी सरकारों के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है, जिसको अगर ये दोनों ही संस्थाएं अगर इस प्रकार की जिम्मेवारी को मिलकर के निभाएंगे तब जा कर के ऐसी घटनाओं पे रोक लग सकती है। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन और सरकारों की बात है तो निश्चित रूप इस प्रकार की जो घटनाएं करते हैं ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दूसरी तरफ दी जानी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो बात कही जा रही है इसके संदर्भ में वो पूरी तरह से सच नहीं है। अभय सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो अधूरा सच है। ये सच्चाई है कि युवाओं में इस प्रकार की जो बुराइयां हैं वो पिछले कुछ सालों में पनपी हैं, लेकिन इन 5 साल के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार के अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा है उसके कारण से ऐसी घटनाओं के ऊपर लगाम भी लगी है। और इसकी वृद्धि ना हो प्रदेश के अंदर, उसमें सफलता पाई है सरकार ने। और एक भी ऐसा मामला नहीं आया जब इस प्रकार के अपराधी को जो इस काले धंधे के अंदर लगा हुआ है उसको बचाने के लिए कोई सामने आया हो। जहां कहीं भी इस प्रकार का कोई मामला उजागर हुआ है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। और एक बात यह भी है कि इन 5 सालों में एक बात यह भी निकल करके आई है, ऐसा चाहे वो नशे का कोई कारोबार करता हो या कोई दूसरा कोई अपराधी हो, इसको कहीं कहीं राजनीतिक संरक्षण कई बार पूर्व में मिलता दिखाई देता था। इन 5 सालों के अंदर और आज तक एक भी ऐसा मामला नहीं आया कि किसी इस प्रकार के अपराधी को राजनीतिक संरक्षण मिला हो, बल्कि होता यह है कि कोई सामने आता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है।